नेक्स्ट है, आपके पास एक करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपने आसपास, और यहाँ पर ये एक रॉड है, एक रॉड है, रॉड जो है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो करंट कैरिंग वायर है और ये बी है, अब बी जनरेट करेगी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड मूव कर रही है। वो कह रहा है ईएमएफ बताओ रॉड में क्या डेवलप होगी। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बी एल वी, यहाँ पर लग नहीं सकता वो, क्यों, क्योंकि बी यहाँ पर सेम नहीं है, बी चेंज हो रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो अपने काम करते हैं, एक लेंथ ले लेते हैं छोटी सी डी एक्स, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है एक्स, तो एक्स दूरी पे अगर ये डी एक्स है तो छोटी सी ई एम एफ यहाँ क्या जनरेट होगी, बी इंटू लेंथ कितनी है डी एक्स इंटू वी, और बी इनफाइनाइट वायर का एक्स दूरी पे क्या होगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई एक्स। तो ये क्या आ गया, स्मॉल ई एम एफ आ गई। टोटल ई एम एफ निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो लिमिट क्या पुट करेंगे, आर से लेके आर प्लस एल, तो आर से लेके आर प्लस एल, तो वन में एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग एक्स, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट दोनों को माइनस, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज द आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो इसमें आपको फिर से सेम प्रॉब्लम गिवन है, क्या b की वैल्यू चेंज हो रही है y के साथ, देखो ना b y की वैल्यू चेंज होती जाएगी यहाँ यहाँ, तो b की वैल्यू y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, b के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो y अगर जीरो है तो b अलग है, इंक्रीज होता जाएगा b, यानी कि यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो b यहाँ पर ऊपर की तरफ चेंज होता जा रहा है, और एक रॉड है जिसको मैं राइट की तरफ मूव करवा रहा हूँ, आपको क्या निकालनी है, ऐसे इमोशनल ईएमएफ प्रॉब्लम फिर वही है, b चेंज हो रहा है तो बी एल भी लग नहीं सकता, स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो फिर से स्मॉल एलिमेंट कितनी दूरी पे y, तो y दूरी पे dy वाई स्मॉल लेंथ है, तो स्मॉल लेंथ की ईएमएफ क्या होगी, b लेंथ v, अब लेंथ यहाँ पर dx नहीं है, लेंथ यहाँ पर dy है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो लेंथ मैंने dy ले ली, b की वैल्यू ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, ये पुट कर दी राइट, टोटल ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक, नॉन मेडिकल वालों के लिए आएगा, मेडिकल के लिए नॉट फॉर मेडिकल कर लेना, ठीक है, तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैथ्स में सिखाई जाएगी आपको इंटीग्रेशन, चल भी पड़ी होगी, इसको ओपन करेंगे इंटीग्रेट करेंगे आंसर आएगा, तो मैथ्स वालों को इंटीग्रेशन आ जाएगी अपने आप ही प्लस टू में, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लगाना क्या है, बस ये देखो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, देखो क्या क्वेश्चन है, आपके पास ये एक रॉड है और एक बैटरी है, एक बैटरी है ई, एक रॉड है, और मैंने इसको मूव नहीं करवाया, बस मैंने बैटरी से करंट को ऑन कर दिया, जैसे ही करंट इसमें गया, करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कहाँ पर है, बोर्ड के अंदर, करंट कहाँ पर है, नीचे, फोर्स कहाँ पर है, राइट, तो बी आई एल, तो बी आई एल से रॉड मूव करना शुरू हो गई, अब रॉड मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट, अब प्रॉब्लम ये है कि रॉड कहती है अच्छा मैं राइट मूव कर रही हूँ, मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, अब मैं अपने अंदर एक उल्टा करंट पैदा कर लूँगी, उल्टी ईएमएफ जनरेट कर लूँगी ताकि मैं आगे मूव ना कर पाऊँ, क्योंकि ईएमआई एक्ट करेगा इसमें, तो पिछला चैप्टर मैग्नेटिक कहता है कि तू मूव कर, ईएमआई कहता है मैं मूव नहीं करूँगी, अब दोनों चैप्टर का क्लैश हो गया, ऐसे हो रहा है ना,
कि मैग्नेटिक BIL उसको लेके जा रहा है और वो कह रही है मैं जाने को तैयार नहीं हूँ, तो जाना उसको पड़ रहा है। तो इस केस में हम ऐसा क्योंकि EMFE जो बैटरी की EMFE ये करंट पास करके रॉड को आगे मूव करवा रही है, और मोशनल EMF इसमें कितनी डेवलप होगी, BLV, जो आपकी EMF को क्या कर रही है, अपोज करेगी। तो करंट क्या होगा इसमें ओवरऑल, आपकी EMF माइनस BLV डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपकी नेट EMF क्या होगी, आपकी अप्लाइड EMF में से BLV क्या कर देना है, माइनस, ये वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास क्या आ गया, करंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि रेस्ट से चली है, एक्सलरेट करेगी, तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या होगा। तो एक्सलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स क्या है, BIL अपॉन मास। आई क्या है, ये पूरे का पूरा आई यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगी, एक्सलरेशन। सॉल्व करके एक्सलरेशन आ गई। अब क्वेश्चन मोशन के अंदर चला गया, मोशन चैप्टर किया था +1 में। एक्सलरेशन क्या होती है, dv/dt। dv/dt में v वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। 0 से t, 0 से v इंटीग्रेट करेंगे। मेडिकल के लिए नॉट फॉर मेडिकल लिख लें साफ, नॉन मेडिकल वालों को इंटीग्रेशन सिखाई जाएगी और आप खुद करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, हाँ ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली मेंस वालों को आ जाते हैं, ठीक है, पुराने पेपर में दिख जाएगा आपको। मेडिकल वाले क्या करेंगे, एक शॉर्टकट याद करेंगे। अगर सेम क्वेश्चन आया, और ये बहुत आता है मेन और नीट दोनों में, कि अगर रॉड एक्सलरेट कर रही है कुछ देर के बाद क्या होगा, इट विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी, स्टेडी स्टेट, कांस्टेंट वेलोसिटी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसा कब होगा, बहुत देर बाद होगा, जब टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट। तो आपने इसके अंदर टाइम को इनफाइनाइट पुट करके ये टर्म जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला मार्क करेंगे E/BL। इसको प्लीज ऐसा फॉर्मूला याद करें, E/BL। क्लियर है यहाँ तक? तो ज़्यादातर चांस इसी क्वेश्चन का आने का है कि काफ़ी देर के बाद वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि टाइम के साथ तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, पर स्टेडी स्टेट टर्म, इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने ये यूज़ करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो इसके अंदर एक फिगर है, इस फिगर में ये लूप बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रहा है, और इसकी ये जो विड्थ है वो L है और ये B है। तो जब ये बाहर आ रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है इसकी, V, तो आपको क्या निकालना है, VB-VC और VA-VD, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और आपको क्या गिवन है, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, लैम्डा। तो इस वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी गिवन है, लैम्डा। तो इस केस में यहाँ पर और यहाँ पर EMF डेवलप नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर होगी, और कितनी होगी, BLV, और लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, B। तो मोशनल EMF कितनी है, B×Length×V। पहला पॉइंट क्लियर है। और रेजिस्टेंस कितनी है वायर की, लैम्डा का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, λ×L, इसकी λ×L, λ×B, λ×B। तो टोटल रेजिस्टेंस में चारों की रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ गई। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या होगा, BLV मोशनल EMF को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये आपके पास करंट आ गया। अब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का बन जाएगा, कैसे करंट आ गया। आप इमेजिन करें कि यहाँ पर ये रॉड EMF जनरेट कर रही है, इमेजिन करें कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जो मोशनल EMF डेवलप करती है, B×Length×V। तो इमेजिन कर लिया, हमने काफ़ी बार ऐसी चीज़ें की हैं कि लेंथ की जगह बैटरी एज्यूम कर लेते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस λ×V। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके किसके बीच में, B और C के बीच में, तो ओम लॉ लगा दो, करंट आपको पता है, इसको इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ निकालना है। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ निकालना है ना, बीच में बैटरी आ रही है, तो इन स्टेड की मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकाल लूँ, इसकी बजाय मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ,
क्योंकि ये तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आए करंट मुझे पता है और इन तीनों के रेजिस्टेंस को मैं ऐड कर लूँगा, तो जब मैं इन तीनों के रेजिस्टेंस को ऐड करूँगा तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस आएगी। तो करंट से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा।